I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back. And now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence, and you don't know my intent. And now you better back down, cause I'm coming for you. बता दूं कि अभी एंटर कर रहे हैं। सॉरी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वही हमारा TDS वाला है, तो अभी थोड़ी देर से करते हैं वो TDS नहीं, Q&A है। तो ठीक है, पहले दीदी के लिए चाय बनाते हैं, उसकी एग्ज़ाम चल रही है। वही ओपन बुक पद्धति वाली एग्ज़ाम चल रही दीदी की। दीदी ने बोला फिलहाल चाय बना दे, तो चाय बनाते हैं। ठीक है, वापस आ चुके हैं। वापस क्या, क्योंकि जो जैसे आपने जो पहली वाली क्लिप देखी उसमें मेरी टी शर्ट का कलर तो पता चल रहा होगा कि मैंने बदला है। ऐसा हाथ करके नहीं बदला है, वो कल रिकॉर्ड करा था उसके अगला वाला पार्ट। बाकी मेरी वॉइस बहुत कम आ रही थी, बहुत ही कम वॉइस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, यार अब फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो जाए तो ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वेदिका शाह। उसने ऐसा पूछा है कि तू अभी अभी पागल बना है या बचपन से ही पागल है। नहीं, मैं तो बचपन से ही पागल हूँ ना यार, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, जो पागल रहता है वही पूछता है। देख लो, तुम्हारे लिए एक एपिक रिप्लाई बनाया मैंने अभी जस्ट, नया नया फ्रेश। अरे ये मोबाइल चालू करने में बहुत दिक्कत है, तो देखो ये। सेकंड क्वेश्चन उसका ही है, उसने बोला है गोडजिल्ला, वो मेरे को गोडजिल्ला चढ़ाती है तो हाँ कंचना। ओके, आपके लिए यही है। अच्छा है गोडजिल्ला, पबजी में अपडेट आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे तने भैया ने, उन्होंने लिखा है कब आ रहा है इंदौर। यार कॉलेज के एडमिशन के लिए इंदौर आऊँगा मैं, कॉलेज का एडमिशन कई कब होता है यार, अभी तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आएंगे इंदौर। ठीक है, आते हैं इंदौर, आते हैं इंदौर, तुमको वहाँ बोर हो रहे होंगे। और तुषार गोस्वामी, क्लास के टॉप 3 हरामखोर, तो टॉप 3 हरामखोर में से पहले तो आप
और दूसरा पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पुष्पेंद्र और आई थिंक तीसरा मिश्रा, क्योंकि मिश्रा इस साल आया नहीं यार स्कूल, नहीं तो वही होता है। अगर तू पिछले साल का ओवरऑल पूछ रहा है कि 11th का 12th का मिला के बोल तो मिश्रा, और अगर ई 12th का है तो मिश्रा नहीं है, बाकी ओवरऑल मैं समझूंगा कि मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आशुतोष ने पूछा है, भाई गिव अवे, जीवन क्यों ऐसी हो रही है भाई, गिव अवे गिवर वन प्लस बुलेट्स। नहीं यार मेरे पास तो, मेरे पास जत आया और तुमको दूं मैं, हट गिव अवे नहीं करने वाला, ये फोकस कहाँ जा रहा है, फोकस मी। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मोबाइल बंद हो गया मेरा, नहीं भाई गिव अवे नहीं, मैं कुछ गिव नहीं करने वाला हूँ। मेरे को कंपनी देगी वो जो फ्री की है, ये मेरे खुद के पैसे की है, मतलब पावर मैंने ला के दिया। अगर कंपनी मेरे को देगी फ्री में तो क्यों नहीं गिव करूँगा मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन विधि देवी ने पूछा है, उन्होंने कोई अच्छा सा ही क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने लिखा है वो गधे चल चाय बना। वाह Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no. मैं यहाँ Q&A करने बैठा हूँ और तुमको चाय की पीनी है, क्योंकि चाय के तो शौकीन हैं आप, आपको चाय तो जरूरी है। जा मैं आप ही नहीं बनाऊंगा, थोड़ी देर से बनाऊंगा। फिर जिनी ने पूछा है, जिनी कुशवाहा, जिनी ने पूछा है कि इतनी पागलपंती कहाँ से आ जाती है, कहाँ से आती है, जहाँ से तुम खरीद के लाते हो वहाँ से हम फ्री में लाते हैं। अभिषेक मिश्रा जी ने तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, तू सी है कि था कि है, अब सी में पिन मतलब सबटाइटल दे दूंगा मैं, जोर से बोल नहीं सकता घर में, मेरे को तो लगता है अगला क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए, बाकी डाल दूंगा, उसकी भी मन की पूरी हो जाएगी। यार देख भाई मैं तो नहीं हूँ, बाकी तू था है और रहेगा, मैं तो नहीं हूँ बाकी तू था और है और रहेगा। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिमेश श्रीवाल ने पूछा है, अनिमेश वैसे मेरा फ्रेंड है, कोचिंग फ्रेंड है, तो उसने क्वेश्चन लिखा है। देख लो ना स्क्रीन पे, तो आया होगा इधर वाले, देख लो अरे वाह क्या लिखा है सामने। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आस्था पटेल, ये हमारे जूनियर है, तो इन्होंने पूछा है कि 11th में सब्जेक्ट लिया था, 11th में क्या सब्जेक्ट लिया था, जूनियर्स को गाइड कर दो। यार जूनियर्स को क्या गाइड करो यार, मेरे तो मैंने 11th में मैथ्स लिया था और मैंने किसी से पूछ के नहीं लिया, मेरे को अच्छा लगा मैथ्स ले लिया। अब आपको जो अच्छा लगता है जिस फील्ड में आपको जाना है तो वहाँ लो, मैं कोई ये कौन होता गाइड करने वाला। फिर से आशुतोष भैया का, भाई गिव अवे योर लाइफ। वाह नहीं सब दे देते ना, गिव अवे लाइफ, हमारी सब लाइफ है, तुम्हारा नाम कर देते हैं। खुशी आलीवाल, इसने पूछा है कि जय, पूछा नहीं है मतलब बोला है जय श्री कृष्ण तो जयराम जी की, यार क्वेश्चन पूछना था यार, ऐसा थोड़ी चलता है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हमारे तुषार भैया ने बोला है, भाई साहब क्रश के बारे में कुछ बताओ। यार हमारी कोई क्रश नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे फोन आ गया था यार, मम्मी का मोबाइल से शूट कराओ, मेरा मोबाइल आएगा तब भी अच्छा शूट करा। तो अंजलि दीदी ने पूछा है, हम क्यों पूछे, हम क्यों पूछे। वाह हम क्वेश्चन पूछना था यार, कुछ तो पूछ लेते कि जानकारी जरा बढ़ती मेरे बारे में, हम क्यों पूछें, हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें।
नेक्स्ट 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 आगे बढ़ो। नेक्स्ट है शुभम सहित है, शुभम भैया है, यहीं पीछे ही रहते हैं। तो फिर से बता देता हूँ कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, शुभम भैया है पीछे रहते हैं। तो उन्होंने बोला भाई भाई तेरी एक्स का नाम बता। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होंगे कि उन्होंने कहीं कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब ये होंगे कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होंगे। नेक्स्ट आशुतोष भैया ने फिर से करा है कि भाई गिव अवे योर स्कूटर। तो उस गिव अवे मतलब तो गिव अवे बहुत अच्छे लगते हैं क्या, देखो सब चीज़ें चाहिए ही, हाँ गिव अवे योर स्कूटर सब दे देते हो स्कूटर। पैसा ही पैसा होगा। और नेक्स्ट आया है हमारे बेस्ट द चमेलियन, जो हम चमेलियन जो हमारा नया गिरगिट मतलब खरीदा नहीं है मैंने, हमारे पेड़ के वहाँ डेली आता है, डेली बैठा रहता है, तो अच्छा लगता है ऐसे मतलब उसको हाथ भी कभी कभार टच कर सकता हूँ मैं, एक बार दो बार टच करा उसको मैंने, कुछ नहीं करता है। तो उसकी मैंने एक आईडी बना ली है, उस पर मैं उसकी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, तो उसकी फ़ोटोज़ मैंने एक दो डाल के रखी है उसका, इसकी आईडी का आईडी इसकी लिंक मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसकी लिंक। बहुत बढ़िया गिरगिट है वो, इसका नाम रखा बेस। तो उसने पूछा है मुझे खाना कब खिला रहे हो। वाह मतलब मैंने ही पूछा यार वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी की तरफ से नहीं है, सब खत्म हो गए हैं क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी डिलीट कर दी थी जल्दी। 16 क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है मैंने, अब क्या करें। चलो ठीक है आगे बढ़ते, मतलब आगे कुछ दिखाते हैं, देखिए कल का ही देखिए, मतलब जो ये वाली क्लिप जो है ये 16 तारीख की है और जो पूरा व्लॉग है वो 15 तारीख का है, क्योंकि 16 तारीख को मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ना है, जब एडिटिंग करने बैठा हूँ तब मुझे पता चला कि यार चलता रहता है। चलो वापस रिवाइंड, पीछे जाओ, पीछे पीछे पुश पुश। आफ्टर अ वेरी ब्रेट क्यू एन ए इन माई लाइफ 50 सब्सक्राइबर स्पेशल्स, कुछ ना कुछ ना, चलो ठीक है चलता है। अभी तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उसके बाद खतरनाक से क्यू एन ए लेंगे, और उस वो जब 100 के होंगे तब क्यों नहीं करेंगे 100 के। क्या क्या सोच रहा हूँ, मौसम बताता हूँ, ये सब बादल है इधर दिख रहा है पूरा ब्लैक ब्लैक होकर रखा है, और इधर जेसीबी चलवा दी थी, मतलब बहुत सारे जानवर आते थे तो यहाँ पर चिड़ियों का घर तो टूट गया है बना लेगी। और ये हमारे बैस बैस इधर देखो, पोस दो ठीक है। देखो ये तो सारा रास्ता मतलब अजीब सा मौसम हो गया रखा है, अभी धूप भी निकली थी, पानी भी गिर चुका है। बस क्या है ये बेस हमेशा यहीं पर रहता है, इसका नाम ही रख दिया बेस। खिला दूंगा भाई, हाँ खिला दूंगा आपके सिनेमेटिक शॉट्स लिए जाएंगे। तो गाइस बेस डर के भाग गया है नीचे, वैसे मैं टकला अच्छा लगता हूँ तो टोपी में अच्छा लगता हूँ, कमेंट में बताना। हाँ अरे ये वीडियो का भी नहीं एंड करेंगे, थोड़ा सा और कुछ बता देंगे, थोड़ी वीडियो को लंबी कर लेंगे, क्योंकि क्या कि छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ तो कोई देखता भी नहीं है, अच्छा भी लगता भी नहीं है, तो इस वीडियो को थोड़ी बड़ी करेंगे। अभी दीदी पास चलते हैं। मम्मी ओहो लाइटें बंद नहीं करी अभी, मैंने कहा करा सकता हूँ, मम्मी मारेंगे बहुत। किचन में भी जब चाय बना रहा था वाली क्लिप देखी ना, तो उसमें मैंने लाइट भसा चालू कर ली, चाय बना के पिला दी, मैंने लाइट बंद करी नहीं। अभी दीदी का पेपर चल रहा है और हम थोड़े से परेशान करने आए हैं दीदी को। क्या कितने पेपर लिखे, 9 पेपर है दीदी के, एक हो गया, 3 दिन में 9 पेपर लिखना है, एक ही हो गया मतलब। अरे सिर्फ 8 ही तो बचे हैं, पापा ने उसको कितना बताओ थैलिया ऊपर से ला रहे थे, तो विधान 8 थैलिया है जिसमें से एक तो अपन पढ़ दिए, सिर्फ 7 ही बची है, पापा ने ऐसा बोला सिर्फ 7 ही तो बची है, ऐसा इसको कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी क्या होती है। हाँ आज 3 पेपर कर लेगी दीदी, परसों क्यों तो सभी सर्विसिंग करवाना पड़ेगी, परसों आएंगे पापा से
इसमें जरा भी नहीं हिम्मत रहती पूछने की कहीं जाना है कि नहीं जाना है। हाँ बाकी इसको जब दादी के घर के उधर जाना रहता ना जिससे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ जाना रहता है तो वहाँ ये बोल नहीं पाती है। एक बार पता है कि मैं बिना कारण से जाती हूँ, बिना कारण से अभी कारण है ना। हाँ तो तू वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बोलेगी कि हाँ पापा की तुम दोनों ही चले जाना क्या है तो मैं जाऊँगा तो मेरा बहुत बड़ा लाइसेंस आते रहता है। बस जाना है सुबह की बस चले जाना, सुबह कोई लोग जाते नहीं है सुबह की बस चले जाना ऐसे समय देख लेना क्यों। तो बाहर काफ़ी नॉइस है मतलब कूलर चल रहा है आवाज़ तो भी आ ही रहेगी तो इसलिए मैं स्टोर रूम में आया हूँ आउटरो देने। हाँ तो बस ये आउटरो है इसके बाद BTS भी आएगा थोड़ा सा जब मैं टाइमलेस बना रहा था उसका BTS बहुत ही अजीब था तो पहले आपको आउटरो दे देता हूँ बाय कर देता हूँ उसके बाद पहले उसके क्या क्या पहले अरे कहना क्या चाहते हो आउटरो दे देता हूँ है ना मेरा काम हो जाएगा उसके बाद एडिटर का काम है कि BTS डालना नहीं डालना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।